हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मेरे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ, जिन्होंने मेरी अंडा मैगी बिरयानी को खूब पसंद किया है। आज मैं लेके आई हूँ पनीर मैगी की रेसिपी एक नए तरीके से। ऐसा आपने कभी बनाया नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखें, नहीं तो आप स्किप करके देखोगे और बीच का स्टेप मिस कर दोगे, फिर बोलोगे कि मैगी टेस्टी नहीं बनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 पैकेट मैगी। एक बड़े साइज के प्याज को मैंने यहाँ पे लंबा लंबा काट के लिया है। एक प्याज को लिया है छोटा काट के। 1 कप पनीर, 1 टीस्पून यहाँ पे लिया है कश्मीरी रेड चिल्ली और 1 टीस्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मैंने लिया है यहाँ पे नमक और 4-5 हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे लंबा काट के लिया है, 4-5 लाल मिर्च लिया है लंबा काट के, यहाँ पे लिया है 8-10 लहसुन की कलियाँ और 1 टमाटर को ले लिया है काट के और 2 पैकेट यहाँ पे पेस्ट मैगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगी लहसुन। हीट हमारा हाई पे रहेगा यहाँ पे। अभी मैं डाल रही हूँ लंबे कटे हुए प्याज, इसे भी हल्का भून लिया। अभी मैं डाल दूंगी जो हमने रखे थे मिर्चियाँ, लाल और हरी वाली मिर्ची डाल दिया मैंने। इन्हें अच्छी तरीके से हिलाते हुए डाल दूंगी हमारे पनीर, नमक और रेड चिल्ली पाउडर, तो कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर दिया है, इससे कलर होगा। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब इसको अलग से निकाल के रख लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल और इसमें मैं बारीक कटे हुए प्याज डाल दिया है। टमाटर, नमक और काली मिर्च का पाउडर और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। भून लेना है हमें। मैगी को भी हल्का सा भून लेना है इसके साथ।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 2 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूंगी। मैगी पकने में 2 मिनट लगता है, ओवर कुक नहीं करना है हमें। ये मैगी हमारे पक चुके हैं। अभी मैं डाल रही हूँ हमने जो पहले फ्राई करके रखा था पनीर प्याज, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टेस्ट मेकर। ये लीजिए हमारी रेसिपी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।